नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अक्सर लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं, और इस व्रत के लिए ही मैं आपके लिए अलग अलग रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लोबी पर। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे फलाहारी पैनकेक्स, वो भी पोटैटो सब्जी और व्रत वाली चटनी के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जल्दी से इसे बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे व्रत वाली चटनी। चटनी को बनाने के लिए एक ग्राइंडर में डालेंगे हरा धनिया, जिसे हमने धोकर और काटकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके साथ इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्ची, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली। चटनी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेंधा नमक। चटनी के कलर को बढ़िया सा ग्रीन ग्रीन बनाए रखने के लिए 2-3 आइस क्यूब्स, 2 टेबलस्पून पानी, और इसे बारीक पीस लेंगे। और लीजिए, तैयार है हमारी बढ़िया सी व्रत वाली हरी चटनी। आलू की सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटोस, जिन्हें एक बाउल में हाथों की सहायता से क्रश कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। सभी आलूओं को हाथों से क्रश करके पीसेस में तोड़ लिया है, और अब बनाएंगे सब्जी के लिए मसाला। मसाला बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक छीला हुआ और कटा हुआ, और इसके साथ ही 1 टमाटर, वो भी टुकड़ों में कटा हुआ। और इसे ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक कुकर, जिसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। अच्छे से गरम करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और इसे क्रैकल कर लेंगे। जीरा क्रैकल हो चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देता। देखिए, टमाटर का मिक्सचर है वो अच्छे से भून चुका है और उसने ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। यदि आप रेड चिल्ली ना खाना चाहें तो आप इसकी जगह काली मिर्ची थोड़ी और डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सेंधा नमक। हर व्रत में सेंधा नमक यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं। अब इन्हें भी 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए, मसाले कितने अच्छे से भून चुके हैं और इनमें कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें डालेंगे क्रश किए हुए पोटैटोस और इन्हें मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। आलूओं को मसाले के साथ भून लिया है, अब इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल देंगे। अब इसे एक बॉयल आने देंगे और फिर ढक्कन लगाकर 2 विसल लगवा लेंगे। सब्जी है वो तैयार हो चुकी है और चटनी भी हमने बना ली है। तो अब तैयार करेंगे पैनकेक्स। पैनकेक बनाने के लिए एक बाउल भी लेंगे। ये 1 कप राजगिरी का आटा और 1/2 कप कुट्टू का आटा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, लगभग 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसके साथ इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची, और इसे हाथों से मिक्स कर देंगे। अब एक बॉइल्ड पोटैटो लेंगे और इसे ग्रेटर की सहायता से इसमें ग्रेट करके डाल देंगे। आलू को हमने
आटे में ग्रेट कर दिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही और इसे भी मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम डो तैयार कर लेंगे। हमें एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो डो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। डो है वो तैयार हो चुका है, अब इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे और इसे ढककर 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इस डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और उसको इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए गोले बना लेंगे। सारे डो से हमने पेड़े बना लिए हैं और उनको हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा फ्लैट कर दिया है। अब एक एक पेड़े को लेंगे और सूखे राजगिरा फ्लोर में डस्ट करेंगे और इस तरह हाथों से दबाते हुए थोड़ा फ्लैट करेंगे और उसके बाद रोलिंग पिन से पूरी के आकार का बेल लेंगे। ये थोड़ा ड्राई होता है इसलिए साइडें इसकी टूट जाती हैं, तो इन्हें इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए आप चिपका लें और बिल्कुल बढ़िया सा गोल पूरी का आकार दे दें। और अब इसे फिर से बेलते हैं। पेड़े को हमने इस तरह से बेल लिया है, परंतु हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब इसे एक साइड में रख देंगे और इसी तरह से सारे पेड़ों को बेलकर तैयार कर लेंगे। सारे पैनकेक्स को हमने बेलकर तैयार कर लिया है और अब इन्हें सेक लेंगे। इन्हें सेकने के लिए गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक तवा, जिस पर हल्का ऑयल लगा लेंगे और जब ये मीडियम गर्म हो जाए तो इस पर एक एक पैनकेक को इस तरह से रखेंगे और सिकने देंगे। लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये एक साइड से हल्का सिक चुका है, अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया है। अब इस साइड पर लगाएंगे ऑयल या घी और जब इसी तरह दूसरी साइड से सिक जाएगा तो इसे फिर से पलटेंगे और इस साइड में भी घी लगा देंगे और इसे इस तरह से धीमी आंच पर स्पैचुला की सहायता से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से करारा होने तक सेक लेंगे। देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। इसी तरह सारे पैनकेक्स को घी लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। सारे पैनकेक्स को हमने तवे पर सेक लिया है और अब इन्हें सर्व करेंगे। आलू की सब्जी, दही वाली चटनी और हरी मिर्ची के साथ। तो लीजिए, तैयार हैं बढ़िया से फलाहारी पैनकेक्स, जो खाने में स्वादिष्ट भी हैं और बनाने में मुश्किल भी नहीं है और हमें भरपूर एनर्जी भी देंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमेशा की तरह नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।